नबी दाऊद में एक हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया मेरी उम्मत में 72 फिरके दोजख में जाएंगे। वो ऐसे फिरके होंगे कि जिनमें बिदात ऐसे दाखिल हो जाएंगी जैसे बावला कुत्ता, पागल कुत्ता किसी को काट ले तो उसके एक एक रगो रेशे में उसका असर यानी वो जो हलकपन, इस तरह मेरी उम्मत में लोगों में बिदात फैल जाएगी। अच्छा मुझे बताएं, ये उम्मत में बिदात जो फैलती है जिस कुत्ते के काटने से, और नबी अलैहिस्सलाम भी उसे कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल करें, वो कुत्ता कोई आम बंदा होता है या कोई मौलवी होता है? सारी बिदात की बानवी मौलवी है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस उम्मत में बड़े बड़े बुजुर्गों ने पूरी नेक नीति के साथ इस उम्मत का जनाजा निकाला। उन्होंने ये समझा कि नेक नीति के साथ ये उम्मत के हक में बेहतर है, ये जारी कर दिया। किसी ने इश्क़े रसूल का नाम दे के, किसी ने तौहीद का नाम दे के, किसी ने मोहब्बत आले बैत का नाम दे के, किसी ने दिफाए सहाबा का नाम दे के गलत अकीदे उम्मत को बताए, और वो उम्मत को इसलिए अकीदे बताया कि वो ये समझते थे कि इस वक्त इस चीज की जरूरत है, चाहे हमें झूठ भी बोलना पड़े, गलत बात बतानी पड़े, हमने बतानी है।